ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं जो आज हाथरस के दौरे पर है। जी हाँ, हाथरस के बांग्ला इंटर कॉलेज आज वो पहुंचेंगे, जहाँ पहुँच कर ग्रामीण लाभार्थियों को बुक प्रमाण पत्र वितरित करते नजर आएंगे। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत निगरानी समिति और स्वच्छता ग्राही टीमों के लाभार्थियों को चेक के साथ साथ प्रशस्ति पत्र भी देंगे। यही नहीं, 25 योजनाओं का लोकार्पण और 9 योजनाओं का शिलान्यास योगी आदित्यनाथ के कर कमलों के द्वारा आज होना है। इस तरह से करोड़ों की सौगात के साथ आज योगी आदित्यनाथ हाथरस में मौजूद नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक 9:30 बजे के आसपास उनका हेलीकॉप्टर वहां लैंड करेगा और उसके बाद फिर आगे का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तो हाथरस में आज योगी आदित्यनाथ का दौरा, आज वो हाथरस में मौजूद दिखेंगे। उनके इस दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था वहां पर काफी कड़ी की गई है। यही नहीं, निगरानी समिति के साथ वो एक बैठक भी करने वाले हैं और इस तरह से हाथरस में भी विकास कार्य कितनी तेजी के साथ और किस गति के साथ किस स्तर तक पहुंच रहे हैं, आम जनता तक विकास कार्य कहां तक पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार हाथरस में आ रहे हैं और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि उनका मंच पूरा भगवा रंग में रंगा हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था देखा जाए तो हमारे साथ हाथरस के SP मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। सर, आज मुख्यमंत्री योगी हाथरस में आने वाले हैं तो सुरक्षा क्या क्या इंतजाम है? सुनजीन वेन्यूज तो जाने वाले हर जगह पे बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इसके द्वारा हमारी ESP के द्वारा हर गली चेक कराया है और हर जगह पर पोस्ट व्यवस्था हमारी प्रॉपर है। पूरे जोन से और कुछ लोग जोन के बाहर से भी बुलाएंगे। हमारे साथ थे हाथरस के SP और आपको दिखाना चाहेंगे, अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स तैनात है और आप देख रहे होंगे।